साथियों जय हिंद। आज का वीडियो समझने के पहले आप जानिए कि कैलेंडर क्या होता है। हम लोग कैलेंडर की बात करते हैं लेकिन कैलेंडर की थ्योरी नहीं जानते बहुत सारे लोग। कैलेंडर का मतलब है अंग्रेजी कैलेंडर को पहले आपको समझाते हैं। जैसे कि ये 2021 है और ये जीरो है। जीरो का मतलब है ये क्राइस्ट का जन्म और इसके बाद का आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट और इसके पहले का बिफोर द क्राइस्ट इरा होता है। तो जैसे कि जीरो से हम 500, 1000, 1500, 2000 और 2021 पे आ चुके हैं। अगर आप उल्टी गिनती गिनिए तो आप जीरो पे जब आते हैं तो वो क्राइस्ट का इरा होता है। ये अंग्रेजों ने बनाया कि ये अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से जीरो के इधर 2021 और उसका जीरो के बाद उल्टी गिनती शुरू होती है। फिर यहां 500 आया, 1000 आया, 2000 आया, 3000 आया। ये कैलेंडर अंग्रेजों का कैलेंडर है। लेकिन साथियों एक कैलेंडर हमारे देश का, हमारे देश की धरोहर है और वो कैलेंडर है राजा विक्रमादित्य का कैलेंडर। राजा विक्रमादित्य का जन्म सन 57 बिफोर दी क्राइस्ट, यानी कि इस जीरो के पहले, बाद वाले जीरो में नहीं, 57 में राजा विक्रमादित्य ने राजपाट संभाला था। इसीलिए जो राजा विक्रमादित्य का कैलेंडर है वो इस 57 से शुरू होता है। हम संवत और सन में अंतर क्या समझते हैं? अक्सर छात्र ये जान नहीं पाते कि संवत और सन में क्या अंतर है। सन अगर 2021 है, इसमें आप राजा विक्रमादित्य का राजपाट संभालने का 57 ईयर वाला जोड़ दीजिए तो ये हो जाता है 2078। तो जब भी आपको संवत कैलकुलेट करना है तो आप सन में 57 जोड़ दीजिए, राजा विक्रमादित्य का 57 वाला साल जोड़ दीजिए तो वो संवत हो जाता है। तो ये संवत से जो कैलेंडर शुरू हुआ वो राजा विक्रमादित्य का कैलेंडर था। जो आप पंचांग देखते हैं, राशि देखते हैं, गोचर देखते हैं, नक्षत्र देखते हैं और पंचांग में आप इतने सूक्ष्म कैलकुलेशन जो आपको दिखाई पड़ते हैं, जो नासा वाले इतनी मशीनों के बाद, इतने एडवांसमेंट के बाद निकालते हैं, वो सन 57 में राजा विक्रमादित्य, इस देश के उज्जैन के विक्रमादित्य, उन्होंने इसकी स्थापना की थी पंचांग की। और उस पंचांग को हम लोग पढ़ते हैं, उससे हम सब चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, नासा से बेहतर। ये जानिए आप लोग, ये राजा विक्रमादित्य, ये इनकी हम आपको अगर बताएं इनकी थ्योरी तो सन 561 के आसपास गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तब बुद्धिज्म का इरा आ गया था और बुद्धिज्म के इरा के बाद कौटिल्य का इरा आया। कौटिल्य ने मौर्य जो शासन है उसकी नींव डाली और एक विशाल भारत बनाया। लेकिन साथियों उसका एक डिसएडवांटेज था कि मौर्य का जो लगभग आखिरी किंग अशोक थे, महान अशोक, जिनकी आप अशोक की लाट देखते हैं भारत के संविधान और सब पे, उन्होंने बौद्ध धर्म का इतना प्रचार किया कि हमारा जो वर्षों से चला आ रहा था सनातन धर्म, देखिए ये लगभग महाभारत का इरा है 3200 के आसपास और उसके भी पहले रामायण का इरा था, वो यहां तक आते आते लोग भूल गए, हमारे साहित्य लगभग खत्म हो गए, कहां गुमनाम हो गए मालूम नहीं। उसको रिवाइव करने का काम राजा विक्रमादित्य ने किया सन 57 में, बिफोर क्राइस्ट 57 में। और आप देखिए कि वहां से सनातन धर्म का पुनः उदय हुआ और हिंदुत्व का शासन, प्रशासन या हिंदुत्व का सिक्का हमारे पूरे देश पे। और वो जो राज था राजा विक्रमादित्य का, यकीन मानिए कि वो ईरान से भी आगे मिडिल ईस्ट जाने कहां तक पहुंच गया था और नीचे बर्मा से कहां नीचे तक, इतना विशाल का साम्राज्य था, मौर्य डायनेस्टी से भी बड़ा साम्राज्य था राजा विक्रमादित्य का। और राजा विक्रमादित्य के 9 रत्न होते थे, आपने अकबर के सुने होंगे क्योंकि हमारे हिस्टोरियंस ने आक्रांताओं और लुटोरों का इतिहास पढ़ाया हमें। जो 9 रत्न होते थे आपको याद है, धन लॉर्ड धनवंतरी, हमारे औषधि, हमारे डॉक्टर, हमारे आयुर्वेद के आचार्य लॉर्ड धनवंतरी, कालिदास, साहित्य के रत्न, ये सब 9 रत्नों में से थे राजा विक्रमादित्य के। और उनके इरा में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्यों? क्योंकि उस समय स्वर्ण मुद्राएं राजा विक्रमादित्य स्वर्ण मुद्राएं इन्होंने चलाई थी भारत में। और उस समय भारत सोने की चिड़िया, इतना सोना था भारत में कि सोने की चिड़िया कहलाता था।
इनके राज में राजा विक्रमादित्य में सबसे बड़ी विशेषता थी न्याय की और दूसरी विशेषता थी धर्म की। अधर्म का नाश हो गया था, धर्म की स्थापना हो गई थी और हर तरफ न्याय ही न्याय था। एक सिंहासन था और सिंहासन पर बैठ करके सिर्फ न्याय की बात होती थी राजा विक्रमादित्य के शासन काल में। और ये इतने प्रतापी राजा हो गए कि राजा विक्रमादित्य नाम से उपाधि दी जाने लगी, उपाधियां। और आप यकीन नहीं करेंगे कि सन 0 जो ये वाला है और से 500 साल तक 5 बार राजाओं को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई। इस समय लगभग 400 से 500 के बीच में चंद्रगुप्त 2, उसको भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था क्योंकि विक्रमादित्य की उपाधि बहुत बड़ा सम्मान होता था, 5 राजाओं को मिल चुका था। अपने बच्चों को बताइए राजा विक्रमादित्य के बारे में, अपना इतिहास जानिए, अपने देश के महापुरुष, प्रतापी राजा, सनातन धर्म के संस्थापक और इतना अच्छा न्याय और सत्य का शासन करने वाले, जिनका इतिहास भुला दिया इन वामपंथी लुटेरे किस्म के लोगों ने, वो अपने बच्चों को बताइए कि हमारा देश सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था। और अगर आप ये असली इतिहास बताएंगे तो हमारा सीना गर्व से फूल उठेगा। नमस्कार, जय हिंद।